दोस्तों, आपको क्लास 9 जो क्लास है इसमें HTML के हम कुछ फॉर्मेटिंग के बारे में बताएंगे, जो HTML में फॉर्मेटिंग टैग क्या होते हैं, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स बताएंगे, जैसे कि आपको बी टैग बताएंगे और स्ट्रॉन्ग टैग बताएंगे, आई टैग क्या होता है, ईएम टैग क्या होता है, और एजेंस टैग होता है, यू टैग क्या होते हैं, मार्क टैग क्या होते हैं, स्मॉल टैग क्या होते हैं, डेल टैग क्या होते हैं, स्पेस टैग क्या होते हैं, और उसके बाद बताएंगे सब स्क्रिप्ट और टैग होता है वो क्या होते हैं, और सुपर स्क्रिप्ट टैग क्या होते हैं। आपको इस वीडियो में हम जितने भी टॉपिक यहाँ पे फॉर्मेटिंग के लगभग आते हैं सब हमने बताया है, और सब आपको बताएंगे कि अच्छे से आपको इस वीडियो में देखने के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लास्ट तक देखते हैं तो 100% श्योर है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए सबसे पहले हम इन चीज़ों को कोड करके देखते हैं और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप अपने कोर एडिटर में आ जाइए। कोर एडिटर में आने के बाद आप यहाँ पे एक फाइल ले लीजिए। फाइल लेने के बाद यहाँ पे इस फाइल को आप यहाँ पे न्यू फाइल ले लिए, आप कंट्रोल एस से सेव कर लीजिए। इस फाइल को सेव कर लेते हैं किसी भी नाम से, मान लेते हैं हम फॉर्मेटिंग नाम से यहाँ पे सेव कर रहे हैं, और .html लगाना जरूरी है क्योंकि एक्सटेंशन नेम होता है, और उसके बाद हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं, और यहाँ पे सेव कर लेते हैं और हमारी फाइल सेव हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ चीज़ें हम आपको बता दें कि यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे शिफ्ट के साथ +1 करते हैं तो एक्सप्लेनेशन मार्क से आपको यहाँ पे कुछ डॉट टाइप दिखने लगता है जो आपका प्री डिफाइंड HTML फाइल। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ जो चीज़ें पढ़ाना है उसको हम पेस्ट कर लेते हैं। हमने पेस्ट कर लिया क्यों? क्योंकि हमें ये चीज़ें पता होती रहे कि हमें पढ़ाना भी क्या क्या है इसमें, क्योंकि हम पढ़ाते टाइम हो सकता है कुछ टॉपिक और कुछ चीज़ें हम भूल जाएं, इसीलिए हम यहाँ पे चीज़ें नोट कर दिए हैं। अब आपको हम बताते हैं सबसे पहले ये चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बी टैग पढ़ेंगे कि बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग क्या होते हैं। तो बी टैग सबसे पहले हम यहाँ पे किसी चीज़ का पहले हम यहाँ पे पैराग्राफ ले लेते हैं, एक पैराग्राफ ले लेते हैं, और पैराग्राफ के अंदर हमने बी टैग का इस्तेमाल करना है। तो बी टैग का इस्तेमाल करने सबसे पहले हम बी टैग को देख लेते हैं। तो आप नॉर्मली अब अगर यहाँ पे पैराग्राफ नहीं लेते हैं तब भी चीज़ें काम करेंगे, आपको हटा दूँ मैं, हो सकता है कन्फ्यूज हो जाए। आप बी टैग इस्तेमाल करिए और यहाँ पे सेट करिए, जैसे बी टैग हो गया। अब इसके अंदर आप लिख दीजिए द स्टडी फीचर, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ द स्टडी फीचर्स, आप यहाँ पे द स्टडी फीचर्स के जाए कुछ भी लिख सकते हैं बी टैग के अंदर। आप कंट्रोल यस के साथ सेव करते हैं और अपने फिर यहाँ पे ब्राउजर में जाते हैं, ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपका जो फाइल था, जो आपके यहाँ पे नेम लिखे थे, आपको यहाँ पे शो होने लगेगा, और आपको यहाँ पे जो शो हो रहा है वो बोल्ड, मतलब उसके बाद हमने ये चीज हमने पढ़ लिया बोल्ड टैग क्या होता है। अब आपको बताना देखना है कि स्ट्रॉन्ग टैग क्या होता है। स्ट्रॉन्ग आपको बता दें कि सिंपल सा स्ट्रॉन्ग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग टैग ही सेम स्ट्रॉन्ग इसी की तरह काम करता है। स्ट्रॉन्ग टैग जो होता है, सॉरी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लिखते हैं, ये स्ट्रॉन्ग टैग लिखते हैं, और इसमें भी हम लिखते हैं द टेक्नोलॉजी फीचर, मान लेते हैं द टेक्नोलॉजी फीचर्स, द टेक्नोलॉजी फीचर्स हो गया। हम यहाँ पे आप देखिए हमने द स्टडी फीचर लिखे और द टेक्नोलॉजी फीचर्स लिखे। अब यहाँ पे हम देखना है कि क्या है ये, देखिए यहाँ पे बोल्ड का मतलब भी मोटा होता है, हाईलाइट करेगा मोटा होगा, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का मतलब भी होता है, लेकिन हमें सबूत के तौर पे देखना है। कंट्रोल यस से सेव करते हैं और अपने ब्राउजर में जाते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। जैसे रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे चीजें देखिए आपको पता ही नहीं चला, द स्टडी फीचर्स और द टेक्नोलॉजी फीचर्स दोनों सेम हैं और सेम साइज है, सेम मोटा है, सेम जो भी हाइट वेट है सब चीज़ें सेम ही है। तो आप यहाँ पे अपने ब्राउजर में फिर अपने एडिटर में आते हैं, यहाँ पे आपको अगर अलग करना है तो यहाँ पे सोच रहा हूँ कि यहाँ पे हम बताया था बी आर टैग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बी आर टैग इस्तेमाल करते हैं आपको न्यू लाइन में आपको शो होने लगेगा, ब्राउजर में जाने हैं, रिफ्रेश करना है, देखिए यहाँ पे ऊपर ये नीचे, तो बी आर टैग का यही फायदा होता है। फिर कोएडिटर में जाते हैं, जाने के बाद हमने यहाँ पे ये चीजें पढ़ लिया पहला नंबर का, जो बी टैग होता है और स्ट्रॉन्ग टैग। अब आई टैग और ईएम टैग क्या होते हैं, अब यहाँ पे तो हम इसके बाद देख लेते हैं। आई टैग क्या होता है कि आई टैग हम यहाँ पे सिंपल सा ले लेते हैं और इसमें लिखते हैं, मान लेते हैं अब मैं अपना नाम लिख लेता हूँ शाहनवाज, ठीक है शाहनवाज अपने इटैलिक नाम यहाँ पे लिख दिया। आई फायर होता है इटैलिक, इटैलिक मतलब होता है तिरछा। अब यहाँ पे हम यहाँ पे सेव करते हैं और इसका देखते हैं कि ये हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद हम यहाँ पे ब्राउजर में चले जाते हैं, ब्राउजर में जाने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे जो चीजें ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेट था यहाँ पे तिरछा हो गया, हल्का सा रूटेड टेढ़ा टेढ़ा हो गया है। उसके बाद हम अपने ब्राउजर में फिर जाकर अपने कोडिटर में जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देखिए हम आपको बता दें कि बी आर लगा देंगे तो आपको नेक्स्ट लाइन देख ऐसो होने लगेगा, जिससे आप
आपको आसानी से न्यू लाइन देखने में समझ में आएगा, नहीं एक ही लाइन में जाता तो अच्छा नहीं लगता। तो बी आर लगा के हम यहाँ पे इसको भी, अब हम यहाँ पे इटैलिक हमने पढ़ लिया, जैसे ये चीजें पढ़ लिया, लेकिन ई एम टैग क्या होता है? अब ई एम टैग जो होता है, हम यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। ई एम टैग हम यहाँ पे सर्च करते हैं, जैसे हम ई एम लिखते हैं उसका आ जाता है। अब इसके अंदर हम कुछ भी लिखना चाहते हैं, जैसे मान लिखते हैं मोहम्मद, मोहम्मद लिख दिए। अभी यहाँ पे हमने ये चीजें हमने यहाँ पे जैसे ऐसे सर्च किया है और चीजें लिखे हैं, हम रिकॉर्ड किए हैं, कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे ब्राउजर में जाते हैं, देखते हैं इन दोनों में कोई फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखिए आपको जो शाहनवाज है ये भी तिरछा है और ये भी तिरछा है। इसका मतलब आपको हम बताए थे कि जो यहाँ पे इटैलिक है और ई एम टैग है लगभग दोनों सेम ही काम करते हैं, ये दोनों तिरछे हो जाते हैं, मतलब जो हमारा टेढ़ा हो जाता है डोटेटा। उसके बाद हम यहाँ पे मार्क टैग पढ़ते हैं। मार्क टैग क्या होता है आपको बता दें, मार्क टैग यहाँ पे होता है मार्क एम ए आर के, है ना आएगा। अब मार्क लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख देते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर सी ओ एम पी यू टी ई आर कंप्यूटर। अब यहाँ पे कंप्यूटर लिख दिए, अब यहाँ पे देखना है कि मार्क क्या करता है। मार्क मतलब होता है सिंपल सा किसी चीज को मार्क कर देना, मतलब हाईलाइट कर देना। तो कंट्रोल यस से सेव करते हैं और यहाँ पे अपने ब्राउजर में जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। देखिए जो हमारा कंप्यूटर है ये हाईलाइट हो गया है, इसको एक कुछ येलो कलर का दे दिया है जिससे आपका इन सबसे बेहतर आपको इस पे नजर जाएगी। तो ये चीजें मार्क का मतलब ये होता है, मतलब हाईलाइट करना। तो आपको हमने बताया कि मार्क टैग क्या होता है। अब स्मॉल टैग क्या होता है? स्मॉल टैग सिंपल सा आपको यहाँ पे न्यू लाइन कर देते हैं, बी आर टैग लगा देते हैं, इसमें भी बी आर टैग लगा देते हैं, जिससे क्या होगा हमें न्यू लाइन में हमेशा देखने को मिलेगा। तो हमें इससे क्या होगा, अब यहाँ पे हम स्मॉल टैग लगा देते हैं। स्मॉल टैग में मान लेते हैं द स्टडी फीचर्स, स्टडी फीचर्स आप लिख देते हैं। तो द स्टडी फीचर्स आपने लिखा है, लेकिन स्मॉल मतलब होता है छोटा, सिंपल सा समझ सकते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और अपने ब्राउजर में जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। आपको देखे इन सब का जो साइज है, इसके मुकाबले ये जो साइज है थोड़ा हल्का सा स्मॉल इस्तेमाल दिख रहा है, छोटा दिख रहा है इनके मुकाबले। और आपको यहाँ बता दें कि आप अपने भी इसमें जाते हैं, हमने इस्तेमाल देख लिया, डेल देख लेते हैं। डेल आपको सिंपल सा चीजें, जैसे आपको बता दें कि आप किसी चीज की प्राइस मान ले लेते हैं, तो जो है ये 7,999 हो जाए, 7,999 रुपये हो जाए। तो लेकिन ये चीजें यहाँ पे कट रहे और ये चीजें दिखे, इससे हमें पता चले कि हमारी पहली प्राइस ये था, लेकिन इस टाइम हमें डिस्काउंट में ये चीजें चल रही है। तो कंट्रोल यस से हमें पहले बी आर लगा देते हैं, जिससे हमारा नेक्स्ट लाइन हम शो होने लगेगा। यहाँ पे बी आर लगा, कंट्रोल यस से सेव करते हैं। अब यहाँ पे मेरे ब्राउजर में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं। अभी देखिए हमारी सिंपल सा दिख रहा है, जो हमारी प्राइस बुक थी 9,999 थी, लेकिन इस टाइम 7,999। लेकिन हमें यहाँ पे ऐसे कुछ कर्सर ऐसे कटा रहे हैं, जिससे हमें पता चले पहले इतनी थी अब इतना रेट हो गया डिस्काउंट करके। इसके लिए हम यहाँ पे सिंपल सा अपने यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं डेल, और हम इसको हम अपने जो डेटा है इसको हम कॉपी करके या कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हम इसमें पेस्ट करते हैं और पेस्ट करने के बाद कंट्रोल ये से सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर में जाते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए अब आपको प्राइस जो बुक थी 9,999 थी, लेकिन अब 7,999 रुपये हो गई। इससे चीजें आपके समझ में आएगा। अब आपको हम यहाँ पे अपने ब्राउजर में फिर से जाकर देख देते हैं कि हमने मार्क ट्यू पढ़ लिया, डेल पढ़ लिया, स्मॉल पढ़ लिया, उसके बाद हम यहाँ पे आई एंस पढ़ते हैं ना। इसके हम यहाँ जैसे मान लेते हैं आपको लिखते हैं द स्टडी फीचर्स, यही चीजें आपको दिखाएंगे क्योंकि चैनल आपको याद भी हो जाएगा। ठीक, आप ये चैनल लिख दिए, हमने लिख दिया। यहाँ पे हम बी आर टैग लगा देते हैं, बी आर टैग इसलिए क्योंकि हमें जो अगले लाइन में देखने में अच्छा रहता है। तो बी आर टैग लगा दिए, हमें यहाँ पे द स्टडी फीचर देखना है, लेकिन हमें देखना है कि जो आई एन से है ये क्या काम करता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बताने से पहले आपको पहले इसमें आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा, नीचे अंडरलाइन लग गया है, अंडरलाइन लग गया है। और हम आपको बता दें जो अंडरलाइन लग रहा है ये आई एन से भी लग रहा है, और उसके बाद एक होता है यू, यू फॉर होता है अंडरलाइन, यू फॉर अंडरलाइन। अब यहाँ पे इसका भी आप लिखते हैं द स्टडी फीचर्स, द स्टडी फीचर्स। तो यहाँ पे आप इसको भी वी आर लगा देते हैं, जाना कि हम न्यू लाइन पे देख पाए। कंट्रोल यस से सेव करते हैं और ये चीजें हम अपने ब्राउजर में जाते हैं। ब्राउजर में जाने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब देखें ये भी सेम है, ये भी सेम है, इनमें भी अंडरलाइन है, इनमें भी अंडरलाइन है।
और वैसे ही हमारे कोड एडिटर में हमने यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो इसका टैग्स है यहाँ पे अलग इस्तेमाल किया है, यहाँ पे अलग इस्तेमाल किया जो यहाँ है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, आपको बहुत इंपॉर्टेंस है इन दोनों चीजें। अब आपको बता दें कि सब स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि जैसे आप लिखते हैं H2O, आपको लिखना है H2O ब्राउजर में जाते हैं कुछ ऐसा सो होगा, लेकिन आप सोच रहे हो कि यहाँ पे हम BR लगा दें हमें न्यू लाइन में दिखाएगा, हम सोच रहे हैं कि ये कुछ H2O मतलब ये ऐसा ही रहे लेकिन 2 इसके नीचे ऐसे हटका लटका रहे क्योंकि H2O हमने ऐसे रहता है, उसके लिए हमें सिंपल सा क्या करना होता है, आपको यहाँ पे यच को सिंपल रहना देना होगा, उसके बाद यहाँ पे लिखना होगा आपको सब, यहाँ पे SUB सब स्क्रिप्ट लिखते हैं और उसमें लिखते हैं 2 और 2 लिखने के बाद आपको यहाँ पे कर देना होगा O, क्यों, क्योंकि हमें यच और 2 और O ये लिखना है H2O साथ में, लेकिन जो फंक्शन काम करे सिर्फ 2 पे काम करे, इसीलिए हमने सब स्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ 2 को रखा है बाकी दोनों को बाहर रखा है। अब इसके लिए हम सब कंट्रोल यस करते हैं और यहाँ पे आउटपुट देख लेते हैं ब्राउजर में जाने के बाद, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, अब देखे H2O यच ऐसे है, 2 नीचे हो गया और वो सिंपल है तो H2O, तो ये हमारा होता है सब स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं हमारा होता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे कि आपको देखना है कि आपने देखा होगा A+B का होल स्क्वायर, आपने जैसे ए आपको ब्रेकेट में लिख देते हैं हम जैसे इसे भी, और यहाँ पे हमने BR टैग लगा दिया है तो हमने यहाँ पे लिख देते हैं कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे ब्राउजर में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे H2O के साथ और A+B का होल स्क्वायर, लेकिन होल स्क्वायर ऐसा नहीं, यहाँ पे ऊपर ऐसे रहता है, ऊपर रहता है, तो इसके लिए हमें सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना होगा। कैसे इस्तेमाल करना होगा, सिंपल सा आपको देखना है यहाँ पे जो 2 है उस 2 को हम यहाँ पे हम लिख देते हैं सुपर SUP सुपर स्क्रिप्ट कर देते हैं और 2 को हम उसी के अंदर लिख देते हैं जिसको हमें ऊपर रखना है, जरूरी नहीं है 2 ही रखें, आपको जरूरत के हिसाब से जो चीजें लगे, मैंने तो एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप कंट्रोल यस से सेव करिए, कंट्रोल यस से सेव करने के बाद आप यहाँ पे ब्राउजर में जाइए और यहाँ पे रिफ्रेश करिए, अब देखिए A+B का होल स्क्वायर आपका हो गया है। उसके बाद आप यहाँ पे सिंपल सा अपने ब्राउजर कोड एडिटर में जाते हैं, कोड एडिटर में हमने बताया है लास्ट में एक जो है यहाँ पे जो ए है जो स्पेस टैग ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, लेकिन हमने देखिए एक थोड़ा थोड़ा स्पेस दिया है, कंट्रोल से सेव करते हैं, एक एक स्पेस दिया है और कंट्रोल से हम यहाँ पे करते हैं और ABCD हो गया, लेकिन अब अगर हम जाके इसमें काफी स्पेस देते हैं तो हम कंट्रोल से करते हैं तो हमारे ब्राउजर में यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा जो हमारा ये चीजें देखिए यहाँ पे ये जो लिखा है NBSP इसको हम कोड के तौर पे लिखते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद ये चीजें आप कॉपी कर सकते हैं, मैं तो बता रहा हूँ लिखने के लिए टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए एक कंट्रोल वी करते हैं, एक स्पेस हो गया, फिर हम दूसरा स्पेस दे रहे हैं, तीसरा स्पेस दे रहे हैं, चौथा स्पेस, पांचवा स्पेस, तो अभी देखिए हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 हमने लगभग स्पेस दे दिए, मतलब एक बार लिखेंगे एक स्पेस 2, 3, 4 ऐसे से देता रहेगा। अब कंट्रोल से हम सेव करते हैं और अपने ब्राउजर में चले जाते हैं, अभी देखिए हमारे जो ABCD लिखा हुआ है इसमें कोई स्पेस नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखिए हम यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 हमने स्पेस हमने डाल दिया है, क्यों, क्योंकि हमारा जो स्पेस था उसके लिए हमें इस चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर।